ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जब भी कोई मैच खेला जाता है तो मैदान में गहमा गहमी का माहौल होता है। फिर बात अगर एशेज सीरीज की हो तो पारा और बढ़ जाता है। ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन भी कुछ ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब जेम्स एंडरसन ने अपना पहला मैच खेल रहे कैमरन बैंक्रॉफ्ट को गेंद फेंक कर मार दिया। इसके बाद इस युवा खिलाड़ी ने हालांकि अच्छा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने एंडरसन को गुस्से भरी नजरों से देखा। हालांकि एंडरसन ने गेंद मारने के तुरंत बाद हाथ से इशारा कर गलती स्वीकार कर ली। आइए आपको बताते हैं पूरे माजरे के बारे में। मैच के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया जीत की तरफ आसानी से बढ़ रहा था और टीम की जीत तय नजर आ रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई भी विकेट नहीं मिल पा रहा था और उनके चेहरे पर विकेट ना मिलने की हताशा साफ दिख रही थी। इसी दौरान एंडरसन गेंदबाजी कर रहे थे और सामने थे बैंक्रॉफ्ट। एंडरसन ने गेंद फेंकी और बैंक्रॉफ्ट ने उसे सीधे बल्ले से एंडरसन की तरफ खेल दिया। एंडरसन ने गेंद फील्ड की और उठाकर गुस्से में तेजी से बैंक्रॉफ्ट की तरफ फेंक दी। गेंद सीधा बैंक्रॉफ्ट के पेट के निचले हिस्से में लगी। इसके बाद बैंक्रॉफ्ट ने गुस्से में एंडरसन की तरफ देखा। हालांकि गेंद मारने के तुरंत बाद एंडरसन ने हाथ से इशारा कर अपनी गलती मान ली। जब मिलेज स्टॉक से मैच के बाद इस घटना के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बैंक्रॉफ्ट मानसिक रूप से काफी मजबूत हैं और उन्हें चुनौतियां पसंद हैं। आपको याद होगा जब वो शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे और एक तेज शॉट उनके हेलमेट पर लगा था, वो उससे घबराए नहीं थे और उन्हें इस बात का मलाल था कि वो उसे लपक क्यों नहीं पाए। इसके अलावा स्टॉक ने ये भी कहा कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पहली पारी में जल्दी आउट होने के बाद वो निराश था। दूसरी पारी में उन्हें बड़ा स्कोर करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। आपको बता दें कि बैंक्रॉफ्ट ने दूसरी पारी में 82 रनों की नाबाद पारी खेली।